के किसान को नई नई विधियां सिखाएं, कृषि के अलावा जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ आकर्षित करें, चाहे वो पशुपालन का है, मछली पालन का है, बी कीपिंग का है, और किसान को आत्मनिर्भर बनाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाए। सौभाग्य से ये जो साल है कृषि के दृष्टि से हमारे देश का अच्छा साल रहा है। सारे कोविड की वजह से सारे कारोबार माइनस में गए, लेकिन कृषि ने हमारी अर्थव्यवस्था को बल दिया है। 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जो ऑल टाइम हाई है वो हुआ है, और उत्पादन भी बढ़ा है, किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। और जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाए, किसान की आमदनी बढ़ाए, उसमें से बी कीपिंग का पेशा है, ये भी एक प्रोफेशन है। और इसके जो परिणाम है कि बी कीपिंग से जो बी कीपर है उसकी आमदनी तो बढ़ती बढ़ती है, शहद के द्वारा या जो उसके बायो प्रोडक्ट है उनके द्वारा, लेकिन जहाँ जहाँ ये मधुमक्खियाँ रहती हैं पॉलिनेशन के द्वारा फसल को भी बढ़ाती हैं, उत्पादन भी बढ़ता है, बागवानी हो चाहे फूलों का हो या कोई सब्जी फल कुछ भी हो, जहाँ जो फूलों से संबंधित खेती है या उसमें सब में फायदा होता है। पिछले दिनों नई बी कीपिंग बी पॉलिसी का विषय आया था हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रेजेंटेशन हुई, ये डॉक्टर सैनी थे, और उसमें ये इन्होंने थोड़ा बजट मांगा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी इतने कम पैसे क्यों मांग रहे हो आप इसका विस्तार क्यों नहीं करते, ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं देते फार्मर को। मुझे ध्यान है कि उन्होंने जो इन्होंने मांगा था कहा कि इस पॉलिसी को दोबारा बनाओ और इसको मल्टीप्लाई करो। जो इन्होंने मांगा था उससे कई गुना ज़्यादा कहा है कि ये आप करो, इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ये एक ऐसा पैसा है जिसमें ना फार्मर को लैंड ओनर होना जरूरी है, ना अपनी जगह चाहिए, कहीं पर भी आप मधुमक्खियाँ पाल करके अपना गुजारा कर सकते हैं। और खास जो सबसे कमजोर तबका है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो भी इस पैसे को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हम तरह तरह की सब्सिडी देते हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो बॉक्स देने पे सब्सिडी है, बाकी चीज़ों पे सब्सिडी है। और इस जो रामनगर का हमारा क्षेत्र ये संस्थान है, यहाँ हम उसको मार्केटिंग की असिस्टेंट, उसकी टेस्टिंग की, पैकेजिंग की, इन चीज़ों की सुविधाएं भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो हमारी स्कीम्स हैं, हमने बहुत सारी इसमें सब्सिडियाँ दे रखी हैं, 400 किसानों को हमने 25,000 वो दिए हैं, बैल की लकड़ी से निर्मित सुपरबॉक्स दिए हैं, और 5,4800 के आसपास जो हमारे बी कीपर हैं, मधुमक्खी पालक है, उन्होंने हमारी सुविधाओं का फायदा उठाया है। और मकसद ये है कि हम इस पैसे को मल्टीप्लाई करें, और इससे जो सबसे कमजोर तबका समाज का है उसको ट्रेनिंग दे करके आत्मनिर्भर बनाए। तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारा ये रामनगर का सेंटर भारत का सबसे अच्छा बी कीपिंग का सेंटर होगा, और जो सुविधाएं इनको चाहिएगी, यहाँ पर ऑलमोस्ट सुविधाएं हर साल कुछ ना कुछ बढ़ी रही है, और भी कोई सुविधाएं चाहिएगी तो हरियाणा सरकार उसके बजट में उसके पैसे की वजह से कोई काम को पीछे नहीं रहने देंगे। और आप लोगों से मेरा ये प्रार्थना है कि आप ठीक है, सारे ऑलमोस्ट आदमी सभी प्रदेशों से आए हैं, मधुमक्खी के एक्सपर्ट हैं, और अलग अलग तरह के आप लोगों को तजर्बा है, यहाँ पर हम अच्छा और क्या कर सकते हैं। जाते वक्त आप अपने एक एक दो दो सुझाव जरूर लेके जाएं, ताकि इसको सेंटर को हम भारत का सबसे अच्छा सेंटर बनाएं, और आगे जो है देश का किसान है, बी कीपर है, उसको इसका लाभ मिले। मैं आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा की इस भूमि में हरियाणा सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं,
और आप जो बधाई देता हूँ कि आप आपस में मिलजुल करके सभी एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करके भारत के किसान की हालात को, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।